हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल निकू कप्तान। आज फिर से यहाँ पे क्रेटा खड़ी है निकू भाई के साथ। निकू भाई कहाँ से है गाड़ी? एक क्रेटा अपने पास लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ। दूर से आई गाड़ी, लखनऊ से दिल्ली आई आपके पास? हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ अपग्रेड है इसमें? इसमें देखो अपने हेडलाइन में 2 सेट LED दिया, डीएल का नीट कस्टमर का नहीं था तो नहीं लगाए। 2 सेट LED इंस्टॉल है, 180 वाट का, ठीक है। और जो कैमरा इंस्टॉल है, ठीक है। और ये जो डीएल है भाई चाबी पे है भाई, डीएल ऑन कर दो डीएल। तो भाई देखिए डीएल यहाँ पे चाबी पे ऑन हो चुकी है। इसे हेडलाइट की बात की, हेडलाइट देख सकते हैं, हेडलाइट का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये आपकी लुक है और ये कुछ आपका यहाँ पे ब्राइट सेटअप है। डिपर की बात की भाई, डिपर आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल जाता है, अच्छा खासा ब्राइट सेटअप है यहाँ पे। बाकी भी डीएल अवेलेबल होता है हमारे पास? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है भाई। कम से कम 40 गाड़ी का अवेलेबल है हमारे पास। चलो भाई ये तो की फ्रंट की बात। बाकी भी ग्रिल के अंदर क्या कुछ अपग्रेड होते हैं हमारे पास? ग्रिल के अंदर पियानो करवा सकते हो, ओरिजिनल भी इंस्टॉल करवा सकते हो, दोनों अवेलेबल होता है अपने पास। दोनों अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो भाई दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी 360 के जो बताइए प्लेसमेंट कुछ इस जगह पे आपको मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात की तो साइड प्रोफाइल में क्या है हमारे? प्रोफाइल में कस्टमर का निर्णय था कि मुझे टायर एक्सचेंज नहीं कराना है, मुझे सिम स्टॉक टायर में अलाइविल चाहिए, वो भी ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल वो नाइट एडिशन क्रेटा में लग गया था, हमने ओरिजिनल अलाइविल दे दिया। चलो भाई नाइट एडिशन वाले यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया, फिटमेंट आप चेक कर सकते हैं। लुक भी इंडिकेटर यहाँ पे आता है, इसको हटा के हमने वेंट लगा दिया इसमें। वन टच देखोगे तो मेरा फोल्डिंग इसमें इंस्टॉल कर दिया, ठीक है भाई। वन टच पे लॉक, वन टच पे अनलॉक। और ये कुछ कैमरे की आपकी प्लेसमेंट रहने वाली है यहाँ पे। नीचे लैंप भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसमें अपना रूफ रेल इंस्टॉल है पिच वाला, ठीक है। डोर वाइजर अपना हुंडई जेन्युइन पार्ट लगा हुआ है जी। विंडो गार्निश अपना जेन्युइन हुंडई पार्ट लगा हुआ है। सही भी इसके अलावा देखोगे तो साइड प्रोफाइल से क्रोम का ज्यादा वर्क नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। ठीक है बैक में चलते हैं। बैक में क्या कुछ अपग्रेड हो सकता है और क्या क्या हुआ? बैक में सबसे पहले आउट ऑफ मार्केट इन्होंने अपना साक्वी एंटीना इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि जो कस्टमर का नीड होता है वही हम काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो अपना जेन्युइन पार्सल ट्रे है, ठीक है। बूट लैंप है, बूट मैट भी है, बूट मैट भी लगाया गया। जो सामान उतरता है स्टॉक में स्टॉक दे देते हैं, जो सामान उतरता है, ठीक है भाई। वहाँ पे कस्टमर के पास जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे, बैक लाइट का ऑप्शन है, वाइपर का ऑप्शन है, कुछ भी लगवा सकते हो, कुछ भी लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बाहर की बात। अंदर की बात करें तो अंदर क्या कुछ अपग्रेड है यहाँ पे, मैं चाबी लगा के बता दूं। तो पहले हमने डोर डैम्प किया है, ठीक है, डैम्पिंग कर दी हमारी। इसके अलावा देखो तो सेम सबसे मेजर चीज होता है सेम डोर पैनल में फिनिशिंग जो देखो वो कटिंग करके लगाया, वन टच मेरा फोल्डिंग है, वो भी क्रेटा का स्विच है ओरिजिनल वायरिंग के साथ। आपको देखने मिल जाएंगे। स्पीकर भी अपग्रेड किए गए हमारे, बिल्कुल बेस मॉडल में कुछ नहीं लग गया जी। तो कौन से स्पीकर लगे हमारे? इसमें स्पीकर अपना पायनियर का लगाया हूं। अच्छा, तो भाई पायनियर का स्पीकर यहाँ पे लगाया गया। बाकी अंदर की बात क्या, स्टीयरिंग से खेल लो, स्टीयरिंग में क्या करा? स्टीयरिंग में अपना पहली बात तो स्टीयरिंग रैप है अपना जिगजैग में जी। इसके अलावा अपना स्टीयरिंग क्रूज जेन्युइन है, स्टीयरिंग क्रूज जेन्युइन रहने वाला हमारा, देख सकते हैं भाई। ये कुछ आपको क्वालिटी मिल जाती है, जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी। बाकी भाई ग्लॉसी में भी आता है हमारे, ग्लॉसी में भी आता है, मैट में भी आता है, मैट में भी आता है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन आपको यहाँ पे दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी बात करें स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा लग रहा है, क्या कौन सा साइज है? क्या 13 इंची का प्रॉपर क्रेटा वाला, कोई कहीं से बाहर नहीं, कोई कुछ नहीं है, देख सकते हो आप। तो भाई कहीं से भी बाहर नहीं आ रहा, क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, फिटमेंट वगैरह प्रॉपर रहने वाली है। और तो भाई ये आपका 13 इंच का मतलब अच्छा साइज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सपोर्टेबल सब रहने वाला है, एप्पल कार प्ले सब रहने वाला है इसमें, बिल्कुल एप्पल कार प्ले, ऑटो 360 डिग्री कैमरा सारा इसमें है। चलो तो वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात की और क्या कुछ है अंदर की तरफ? इसके अलावा अपना जेन्युइन सनग्लास होल्डर है हुंडई का, ठीक है, होल्डर इंस्टॉल किया गया, ठीक है। बाकी सीट का भी आपको टॉप मॉडल वाले लुक यहाँ पे मिल जाते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हमेशा की तरह बेस्ट फिटमेंट आपको मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ, मैटिंग फ्लैट फ्लोरिंग कुछ हुआ इसके अंदर? फ्लोरिंग है इसके अंदर, ठीक है, फ्लोरिंग भी की गई है भाई, देख सकते हैं फ्लोरिंग, मैट भी है इसके अंदर। अच्छा मैट भी इंस्टॉल किया, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन होता है आप यहाँ पे सेंटर स्पीकर सेंटर जाली चेंज करवा के लगवा सकते जी, ठीक है। रीडिंग लैंप लगवा सकते हो, ठीक है। जो भी बेस मॉडल क्रेटा है, जो टॉप मॉडल आता है सनरूफ छोड़ के और एसी क्लाइमेट कंट्रोल छोड़ के, आप सब कुछ करवा सकते हो हमारे पास, सब कुछ करवा सकते, बिल्कुल बेस्ट टू टॉप बनवा सकते हो। चलिए तो भाई ये सब आपके सामने यहाँ पे बता दिया क्या कुछ हुआ है। बाकी कस्टमर जैसे आप देखोगे इनर हैंडल यहाँ पे है जी, आप इनर हैंडल लगवा सकते हो सिल्वर वाला, ठीक है, सिल्वर इनर हैंडल मिल जाएगा। और क्या कुछ, स्कीट प्लेट लगवा सकते हो, ठीक है, साइड का स्कीट प्लेट। ये बेसिक, ये जो गाड़ी है जो बेसिक कार, जो उसको फैमिली कार जो बोलते हैं, जो बेसिक जो हर चीज का नीड नहीं था, हाँ जी, जैसे अदम ने जो आपको ना ज्यादा टॉप और ना ज्यादा लो मीडियम गाड़ी तैयार किया हूँ, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। बाकी अगर कस्टमर से ही बात करें तो कस्टमर हमारे साथ ही रहे, कैसे सर? बहुत बढ़िया हूँ यार, सुबह 11 बजे सबसे पहले मैं ही आया था। अच्छा 11 बजे पहले आए थे? 11 बजे लखनऊ से, मतलब मैं सुबह चला था लखनऊ से जी, और यहाँ पे आ गया था। निकू भाई ने पूरा अपना लोकेशन भेज दिया था और मैं सुबह से बिना खाए पिए, मतलब बीच में कुछ हल्का हल्का निक्कू भाई ने पानी वानी पिलाया, सब पूरी सेवा की, ऐसा नहीं है जी। और
मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। काम की मेनली क्वालिटी कैसी लगी, जो आपको बोलते हैं जेन्युइन आइटम देते हैं, मिला बढ़िया? डिस्काउंट भी दिया निकू भाई ने, हमको सबसे जबरदस्त डिस्काउंट हम ही को दिया है और किसी को नहीं दिया। जितने लोग आए थे सब चले गए, मगर सबसे बढ़िया और अच्छा डिस्काउंट मुझे दिया। तो भैया जब आप आए थे उसके, आप सबसे पहले आए थे, उसके बाद कितनी गाड़ी आई होगी आपके साथ, लगभग कितनी गाड़ी आ गई होगी? कम से कम वो तो पूरा भरा ही था, पूरा भरा हुआ था। हाँ पूरा सब फुल था, यहाँ पे तो जगह नहीं थी। चलिए, मतलब यहाँ पे गाड़ी रहती है, जेन्युइन काम रहता, बढ़िया। बाकी भैया अगर रेटिंग की बात है, 10 में से क्या नंबर देंगे काम को देख के? तो 10 में 11 दे दूंगा यार। इसमें क्या देंगे? चलिए सर, थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। ओके भाई।